हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माइनक्राफ्ट के एक और गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं नेदर में, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इस गेम में हम लोग सैडर यूज करने वाले हैं, जो कि एकदम RTX जैसा ही काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा रियलिस्टिक देखने में भी लग रहा है, और जो RTX देता है एफेक्ट, वैसा ही ये सैडर भी काम करता है। मगर थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये मोबाइल के लिए है और ये ज़्यादा लैग नहीं कर रहा है। और ये गेम हम ये सैडर का यूज करके और ये गेम हम लोग खेलने वाले हैं। तो आप देखिए, ये थोड़ा इन्वायरमेंट में भी चेंज आया है माइनक्राफ्ट की, और ये सैडर बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है। तो आगे हम भी सैडर ही यूज करके खेलने वाले इस गेम में। तो दोस्तों, बेसिकली एक सैडर गेम को लाइट और डायरेक्शन देता है, जो कि एक डायनामिक और रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है गेम में, जो कि बिल्कुल RTX जैसा ही काम करता है। मगर RTX और सैडर में बहुत डिफरेंस है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक देता है, जहाँ कि ये सैडर कुछ बहुत ही मतलब ये भी सही देता है और RTX जैसा नहीं दे सकता, मगर ये मोबाइल के लिए और बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं खेल रहा हूँ, ये अभी लैग नहीं कर रहा है बिल्कुल। और अभी हम लोग जाने वाले हैं नेदर में, तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ये ट्री और ये सैंड जो देख रहे हैं, कितना मतलब इसका कलर जो रियलिस्टिक है बहुत ही अच्छा है देखने में। और ये जो डॉट है, डॉट भी बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो लिप है, लिप का भी मोमेंट देखने को मिल रहा है जब सैडर यूज करने पर। और अभी तक मुझे कोई लैग फेस नहीं किया हूँ, मतलब कोई लैग देखने को नहीं मिला है। और आप भी ये यूज करके खेल सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग चले गए नेदर में, नेदर की ओर, और वो उस जगह जहाँ पर नेदर है वो लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पर जाने वाले, उसके बाद वो नेदर में हम नहीं जाने वाले, और हम लोग खुद अपना से नेदर में घर पर नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते उस तरफ। A few moments later. दोस्तों, अभी नेदर के पास आते आते अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका सैडर भी इफेक्ट सही है। तो फाइनली दोस्तों, ये सैडर बहुत ही अच्छा है, और मतलब गेम में रियलिस्टिक देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसी तरह हम लोग जाएंगे नेदर की ओर, और ये जो नाइट है बहुत ही अच्छा है देखने में। और ये सी भी आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी दे रहा है ये स्टार का लाइट्स के साथ, और ये मतलब पूरा नाइट्स का जो देखने को मिलता है नज़ारा, वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग नेदर पोर्टल के पास आ चुके हैं, अभी भी अंधेरा है, और हम लोग एक सही जगह चुनेंगे जहाँ पर हम लोग एक बेड रख सकते हैं। तो ये सही जगह है बेड रखने के लिए, और यहाँ पर हम नाइट स्किप करेंगे, और ये बेड इस बार हम लोग नहीं उठाने वाले। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने नेदर में जा रहा तो बेड हटाने से मैं रिस्पॉन होता था उसी जगह पर, आइलैंड पर, जहाँ पर मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था। मगर इस बार हम लोग नहीं उठाने वाले बेड को वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर नेदर में कुछ होता है, अगर नेदर में डेथ होता है, तो हम लोग सीधा यहाँ पर आके ही रिस्पॉन होके हम लोग को वहाँ पर दूर नहीं रिस्पॉन होना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेदर में अंदर, और इस बार मेरे पास जो गोल्ड आइटम है, गोल्ड आइटम लेके जा रहा हूँ, जो कि गोल्ड आइटम यूज करने से पिगलिंग अटैक नहीं करता, ये मुझे मालूम चला है। और इसी तरह हम जाएंगे अंदर, और उसके बाद गोल्ड आइटम है मेरे पास, तो ये गोल्ड स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ, शायद वो लोग अटैक ना करें। फाइनल दोस्तों, हम लोग नेदर में आ चुके हैं। जैसे मैं नेदर में आया तो देख रहे ये पिगलिंग लोग मेरे तरफ आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं चला, पता नहीं ये लोग क्यों अटैक करने आ रहे हैं। और ये लोग को थोड़ा, तो दोस्तों ये लोग यार बहुत ही खतरनाक रहते हैं। और फाइनली दोस्तों, मैं फिर से नेदर में आ चुका हूँ, और इस बार एकदम सही से जो आइटम यूज करना था पूरा आइटम में गोल्ड का यूज कर रहा हूँ, और इस बार कोई पिगलिंग अटैक ना करे, क्योंकि एक पिगलिंग मेरे बगल से गया, वो कुछ नहीं किया है, मुझे कोई टच नहीं किया पिगलिंग, मतलब ये काम कर रहा है। उस समय पता नहीं मैं गोल्ड आइटम यूज कर रहा था, फिर भी वो लोग क्यों अटैक किए मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, अब हम लोग नेदर जो पोर्टल है पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पर जो आइटम होगा गोल्ड तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नेदर वाट या ये ब्लेज पाउडर, इसका हम लोग ढूंढेंगे, शायद हमें मिल जाए। और ये ब्लेज जो है बहुत ही मतलब खोजने में कठिन है,
तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और कुछ है, ये नेदर वाट की क्या बोला जाता है मुझे मालूम नहीं, तो इसे भी मैं माइन कर लेता हूँ, ये भी बहुत काम लगेगा बाद में। और यहाँ पर जितना सारा सामान मिलेगा वो सब मैं माइन करके ले जाऊँगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मुझे एक नीचे कुछ दिखाई दिया है, शायद वो कुछ है। और मैं एक नेदर वाट जो होता प्लांट वो भी मुझे खोजना है, और पता नहीं वो प्लांट है मगर ये फंगिस मुझे मिल रहा है बहुत सारा, और मशरूम। और यहाँ पर नीचे पिगलिन है, तो इस पिगलिन को अटैक करके हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये लोग को जीत नहीं सकते, बहुत ही हार्ड है जीतने में। और मुझे एकदम सही जगह मिल चुका है यहाँ पर वो अटैक करने। तो दोस्तों पिगलिन को मारने के बाद मैं नीचे आ गया और यहाँ पर मैं रास्ता भटक गया हूँ दोस्तों, फाइनली बोला कि रास्ता में भटक गया हूँ, यहाँ पर मुझे मालूम नहीं अब कहाँ जाना है। और मैं रास्ता खोज रहा हूँ किधर से मैं आया, मैं इधर पूरा मतलब कोई आइडिया ही नहीं, और मुझे मेरा पोजीशन भी मालूम नहीं था कि नेदर का पोजीशन कहाँ है, मैंने वो याद करके नहीं रखा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है, मैंने बहुत सारा गोल्ड माइन किया, और यहाँ तक कि मैंने जो यहाँ इस वर्ल्ड में नेदर वर्ल्ड में जो एक पेड़ मतलब ग्रो होता है वो भी मैंने माइन किया है। तो इसी तरह आगे हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सारा क्रिम्सम क्या प्लांट, बहुत सारा प्लांट है, ये जो जिस पर मैं खड़ा हूँ वो असल में ट्री है, और ये नीचे का साइड लीव्स है साइड, मुझे इसका बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। और इसे भी मैं माइन करके अपना वर्ल्ड में ले जाऊँगा, और वहाँ पर खूब इसी तरीके से मैं बना सकता हूँ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देख रहे दोस्तों गोल्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ के लिए काम लगेगा, मैं फिर भी माइन कर रहा हूँ। तो आगे एक लावा है, एक ट्री है, तो इधर अभी तक मुझे यार नेदर वाट नहीं मिला है, नेदर वाट मिल जाता तो सही रहता, नेदर ब्लॉक मिल गया मुझे। तो इसको बहुत सारा ये सारा माइन कर लेता हूँ, मैं दोबारा इस वर्ल्ड में नहीं आना चाहता, और ये मैं घर के पास बनाऊँगा जो कि मुझे आने जाने में आसान रहेगा, मैं जब भी नेदर पोर्टल में जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। तो गाइज मेन इम्पोर्टेंट है जो ब्लेज पावर है उसका खोजना, और नेदर वाट जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा है। और ये देख सकते एक तरफ से प्लैंक ट्री का ये ट्री है, वो रियल में इस वर्ल्ड का ये ट्री है, बहुत ही अच्छा कलर में है जो। और ये जितना लाइट है ये सारा मैं माइन कर लूँगा, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, मगर यहाँ पर मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा है। और ये जो प्लैंक है ट्री में यहाँ पर भर भर के इसका मैं ले जाऊँगा, मैं यहाँ वहाँ पर ये कलर मुझे डाई यूज नहीं करना पड़ेगा, ये कलर सही है, अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मैं सारा माइन कर लूँगा, और ऊपर जो लाइट है वो भी लाइट बहुत ही सुंदर है देखने में, और वो लाइट मैं पूरा यूज कर सकता हूँ अपना मतलब डेकोरेशन करने के लिए, गार्डन हो या कोई कुछ भी। अब मैं एक साथ में कोबल स्टोन लेके आया कि कभी भी काम लगे। दोस्तों यहाँ पर एक और गोल्ड मिला, तो दोस्तों फाइनली कुछ आवाज़ आ रहे हैं, और वहाँ पर शायद पिगलिन है बगल में, पिगलिन से खूब माइगर यो यार ये पिगलिन क्यों अटैक करने लगे फिर से, यार मैं क्या नोगेट से मार रहा हूँ, तो मुझे इससे छड़ी से मारना चाहिए। एक पिगलिन ख़त्म हो गया, उसको भी आएगा तो उसे मारना पड़ेगा। तो मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिला, अब मुझे खुद को मारना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैं बाहर निकल चुका हूँ, और कैसे कैसे निकला A few moments later. दोस्तों मैं घर पर आ चुका हूँ, और मैं खुद का नेदर पोर्टल बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे बार बार वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लग रहा यार, बहुत समय लगता है, ये बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए अब मैं अपना गार्डन में ही बनाऊँगा। उसके लिए मैं ये ऑब्सिडियम ले रहा हूँ, और ये डायमंड
पिकैक्स। तो चलते हैं अपना खुद का नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो मेरे पास ऑब्सिडियम की कमी नहीं है और मेरे पास डायमंड पिकैक्स भी है। अब हम लोग बनाते हैं बनाएंगे नेदर पोर्टल। उसके लिए एकदम सही जगह खोजना पड़ेगा, कौन सा जगह में बनाने से सही है। दोस्तों मैं अपना घर में नहीं बना रहा हूँ ये जो नेदर पोर्टल, क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ा कम है और बाहर से भी इस वर्ल्ड में पिगलिन होगा ये सब बाहर आते हैं, इसीलिए वो लोग को थोड़ा आउट की साइड रखने से सही रहेगा। अगर घर में रखता हो तो कुछ हो जाने पर तो मेरा घर का पूरा नुकसान होने वाला है, तो मैं ये नुकसान नहीं चाहता हूँ। तो इस जगह पर कैसा रहेगा नेदर पोर्टल बनाने में, मगर मुझे ये सही जगह नहीं लग रहा है। ये गार्डन छोड़ के ही बनाऊंगा क्योंकि डिस्टर्ब ना हो किसी जानवर को। तो इस जगह थोड़ा सही है और नज़दीक भी है। तो यहाँ पर जैसे प्रोसेस से बनाने का ये 5 ऑब्सिडियम हम डाउन से में नीचे यूज करने वाले हैं और उसके बाद 3 ऑब्सिडियम। तो ये ऑब्सिडियम में एक हो गया, ये डॉट यूज करना पड़ रहा है। तो एक ऑब्सिडियम इधर, और इस पर हो गया, और बचा हुआ 3, 1, 2, 3। तो टोटल हमें 14 ऑब्सिडियम चाहिए। तो यार ये काम नहीं किया, यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है देखें थोड़ा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़, ये साइड डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो ये डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, इसको फिर से सही से बनाना पड़ेगा। इस बार मैं बना लूँगा। तो फाइनल दोस्तों इस शेप में बना रहा हूँ। हम लोग ज़्यादा ऑब्सिडियम यूज़ करे तो उसका हाइट थोड़ा कम था, अब ये हाइट सही है। अब इस बार मुझे लग रहा है ये काम कर सकता है, तो मैं ये फ्लिंट और स्टील लेता हूँ और देखता हूँ। और ये दोस्तों ये चालू हो गया और ये काम कर रहा है। दोस्तों हम लोग का नेदर पोर्टल बन गया। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, तो आगे भी हम लोग वीडियो ले आते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से ये वाला नेदर पोर्टल में जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आगे भी हम लोग वीडियो ले आते रहेंगे।